हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में ग्लोइंग टेक्स्ट कैसे बनाएं। तो ग्लोइंग टेक्स्ट बनाने के लिए सिंपल सी दो एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का नेम है काइनमास्टर और सेकंड एप्लीकेशन का नेम है नोट वीडियो। एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आपको अपना रेशो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक ब्लैक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और आपको अपनी वीडियो की जितनी लेंथ करनी है उतनी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको करने के बाद आपको सिंपल सा अब म्यूज़िक सेक्शन में जाना है और म्यूज़िक सेक्शन में जाना है आपको और अपना ऑडियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा लेयर्स में जाना है और टेक्स्ट पे टैप। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेना है जो सॉन्ग के लिरिक्स है उसको। तो गाइस, टाइप करने के बाद आपको सिंपल सा इसको एंड तक कर देना है। एंड तक करने के बाद गाइस, आपको सिंपल सा जो इसके अंदर एनिमेशन देना है वो आप दे सकते हैं। इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन दोनों दे देना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को क्या करना है कि आपको यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉन्ट आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको सिंपल से अपने जो टेक्स्ट की लेयर है उसको आपको ये सॉन्ग के हिसाब से कट कर लेना है। तो जैसे कि फर्स्ट करने के बाद गाइस, जैसे कि आपको यहाँ केचिक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको स्प्लिट एक लेयर हेड कर देना है। उसको करने के बाद आपको गाइस ऐसे जैसे जैसे सॉन्ग के लिरिक्स आगे बढ़ते आपको ऐसे ऐसे टैप करके उसको कट कर लेना है, ठीक है गाइस। उसको कट करने के बाद गाइस, आपको सिंपल से वहाँ पे जाना है और आपको वहाँ पे टाइप कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने दोनों अलग अलग लिख लिए हैं सॉन्ग के टाइप से। फर्स्ट में ये लिखा और सेकंड में ये लिखा, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे पूरे में कट करके पूरे सॉन्ग के लिरिक्स लिख लेना है, ठीक है। वो करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे इसको वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका काइनमास्टर का वर्क कंप्लीट। अब आपको सिंपल से इस वीडियो को इंस्टॉल कर लेना है। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, सेव एज ए वीडियो कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेव कर लिया ऑलरेडी। तो भाई साहब, सेव करने के बाद अब आपको सेकंड एप्लीकेशन पे आ जाना है, अपने नोट वीडियो पे। तो उसको ओपन करने के बाद गाइस, आपको प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपको रेड कलर का प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाना है। उसके बाद मीडिया में जाके अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा प्ले करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे पॉज करने के बाद नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे असेट स्टोर में जाना है आपको। और यहाँ पे सेकंड नंबर का दिख रहा है ग्लो स्कैन, वहाँ पे उस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट ग्लो करेगा। उसके बाद आपको ये जो भी कलर देना है वो आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि रेड दे रखा है, तो रेड देने के बाद आपको इसका थोड़ा बहुत सेटिंग करना है तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको अगेन प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से असेट स्टोर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेचर पे जाना है। नेचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रेन ड्रॉप दिख रहा होगा, तो गाइस आपको रेन ड्रॉप पे टैप कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अब आप इसमें भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आपको इसकी स्ट्रेंथ कितनी करनी है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने सेट कर ली है। अब आपको सिंपल सा नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस। तो आपको वहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा प्ले का, उस पर आपको टैप कर लेना है। उसके बाद ये वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।